एक देश दो विधान मेरा भारत महान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मौजूदा दौर में देश में दो विधान है, मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। अगर मुसलमान शेर पढ़ दे तो उसे जेल हो जाती है, तो वहीं कोई हिंदू इस्लाम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दे तो पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दरअसल पूरा मामला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर से जुड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बेहद अमर्यादित टिप्पणी की है। धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि बोलना है हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, बिल्कुल ना बोले, हमें बता दें हम आपके साथ हैं क्योंकि हमें समाधान देना है। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली से अली के बाप हैं। वीडियो देख लिया आपने, इसमें साफ साफ इस्लाम को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद बाबा बागेश्वर ने सफाई में एक और वीडियो जारी की और माफी मांगते हुए नजर आए। ये जो मौला अली वाली बच्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी को एक शेर पढ़ने की वजह से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, तो बाबा बागेश्वर के लिए पुलिस हमदर्दी क्यों दिखा रही है, जबकि उनके इस बयान से समाज में अराजकता फैलने का डर है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ इस्लाम धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है, या यूं कहें कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गाली दी है। फिर उन्हें माफी मांग लेने की वजह से क्यों छोड़ा जा रहा है। हालांकि इस मामले में लखनऊ में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लगातार अमन पसंद लोग धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर के बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अन्य खबरों एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें यूपी टाइम्स न्यूज। यूपी टाइम्स न्यूज, निष्पक्ष, निडर, बेबाक।